हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में इस बार शुचितापूर्ण परीक्षा का एक रिकॉर्ड बना है और कोई भी बाधा नहीं आई थी, लेकिन जो कॉपीज का मूल्यांकन हुआ है उसमें भी रिकॉर्ड बना है, इसलिए कि इस बार बहुत जल्दी नतीजे घोषित होंगे। पिछले वर्षों में देखा गया था कि देर तक कॉपीज चेक होती थी, अप्रैल के महीने में भी, लेकिन इस बार बहुत जल्दी ये काम हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक महेंद्र देव जी। सर, ये जो इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा हुई है, लेकिन कॉपीज जो जांचने का काम है वो भी लक्ष्य जो आप लोगों ने रखा था उस तय सीमा में ही पूरा हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि जो रिजल्ट आएगा वो इसकी जल्दी आने की वजह ये भी है कि एक आप लोगों ने वजह है कॉपी हमारी जो है तय सीमा है, उससे पहले हमने एक दिन पहले ही ये लक्ष्य पूरा कर लिया था। उसकी वजह यह थी कि हमारी मॉनिटरिंग हमने काफी तेजी से की जिले स्तर पर और स्टेट लेवल पे, तो जिसका रिजल्ट अच्छा रहा। अवकाश के दिनों में भी हमारा मूल्यांकन कार्य जारी रहा और इसलिए हम लोग समय से पहले इसे पूरा कर पाए। हमारी तैयारी है कि हम अप्रैल महीने में ही इसका परीक्षाफल घोषित कर देंगे। हम रिजल्ट पहले देने से बहुत से मामलों में बच्चों को लाभ मिलेगा, एकेडमिक कैलेंडर क्रियान्वित करने के तथा और जो कंपटीशन की तैयारी करने में बच्चों को तमाम लाभ मिलते हैं, प्रवेश करने में तमाम लाभ मिलते हैं तमाम यूनिवर्सिटीज में और दूसरे राज्यों में, तो वो लाभ हमारे बच्चों को मिल पाएंगे। अपना यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023 सबसे पहले देखने के लिए और यूपी बोर्ड से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए गूगल पर चले जाइए और वहां पर लिखिए पीकेआर रिजल्ट। जैसे ही आप पीकेआर रिजल्ट सर्च करेंगे तो यहां पर ये जो पहली वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी इस पर सिंपली आप क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहां पर यूपी बोर्ड 10th 12th का आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा यूपी बोर्ड और अदर बोर्ड की भी सभी जानकारी आपको यहां पर मिलती रहती है। यूपी बोर्ड 10th 12th का रिजल्ट यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर दोनों लिंक खुल जाएंगे। इसके अलावा सारी जानकारी यूपी बोर्ड से जुड़ी पल पल की अपडेट्स यहां पर आपको मिलती रहती है। यहां पर ये लिंक जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा तो सबसे तेज यहां पर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जाकर विजिट करो। बिहार बोर्ड के नतीजे घोषित होने के बाद अब यूपी बोर्ड के छात्रों को नतीजों का इंतजार है। कहा जा रहा है कि यूपी एमएसपी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के परिणाम जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे। परिषद द्वारा औपचारिक तौर पर यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2023 कब आएगा स्टूडेंट के सवाल पर परिषद द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की आंसर शीट का मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया गया। माना जा रहा है कि यूपी एमएसपी इंटर रिजल्ट 2023 डेट को लेकर अपडेट 15 अप्रैल के बाद कभी भी जारी कर देगा।